मूर्ख, बड़े नासमझ हो सरकार। तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूं। पानी सर के ऊपर जा चुका है। जैसी हालत शिरडी की हो गई है उसे अब कोई नहीं बदल सकता। और कल सुबह तो शिरडी में ऐसी आग लगेगी जिसे ना तुम बुझा पाओगे ना वो साई। वो देख रहे हो, वहां से शुरू होती है शिरडी। तुम चारों कभी भी एक साथ नजर नहीं आओगे। तुम दोनों मुस्लिम इलाके में दाखिल होगे और तुम दोनों हिंदू। और ध्यान रहे, किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। शिरडी में हमेशा चौकन्ने रहना। काम जितना जल्दी पूरा करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, काम आपकी उम्मीद से पहले ही हो जाएगा। जानता हूं, तभी तो तुम लोगों को यहां लाया हो। अब जाओ, काम पे लग जाओ। एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। कुआं हिंदुओं के इलाके में है, अब पानी कहां से लाएंगे? वाकई में ये तो बहुत बड़ा मसला है। क्या घर में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है? आज का दिन तो निकल जाएगा, लेकिन कल का क्या? और बाकी लोगों को भी तो पानी चाहिए। कैसे नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, खाना बनाना, साफ सफाई कैसे करेंगे सब? सारी सब्जियां खत्म हो रही हैं, सारा सामान भी खत्म हो रहा है। समझ में नहीं आता क्या करें। और ये बाजार, बाजार भी तो मुसलमानों के इलाके में है। तुम सब्जी बेचते हो ना, तो ये सब्जी की परेशानी फिर? हाँ, लेकिन मेरा ठेला मंडी में है और घेराबंदी की वजह से हम ला भी नहीं सकते। वही नहीं, मेरे पास तो आज के लिए सब्जी नहीं है। तुम चिंता मत करो, आज हमारे घर से तुम्हें सब्जी मिल जाएगी। ठीक है, आज तो किसी ना किसी तरह सबका काम चल जाएगा, लेकिन कल का क्या? इस परेशानी को हमेशा के लिए हमें दूर करना ही पड़ेगा। हाँ, एक दिन की बात नहीं है ये, हमें इंतजाम करने ही होंगे। उन काफिरों से दोबारा दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ज्यादा से ज्यादा हमें तकलीफ ही होगी ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उन लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन पानी का क्या करेंगे? कोई भी कुआं एक दिन में नहीं खोद सकता। ठीक है, हम शिरडी के बाहर वाले कुएं से अपने पानी की जरूरत को पूरा करेंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल सही कहा आपने हरिबहू, पास वाले गांव से सब्जियां सामान लाएंगे, हम सब एक साथ चलेंगे। आप सब तैयार है ना भाई लोग? सब एक साथ जाएंगे। उन एहसान फरामोशों के सामने हमें गिड़गिड़ाना ना पड़ेगा। इसके लिए जो भी जरूरी है हम करेंगे।
लगता है यही है साई। नंदलाल ने जैसा हुलिया बताया था बिल्कुल वैसा ही है। और नंदलाल ने इसी से सावधान रहने के लिए कहा था हमें। रुको, कौन है आप लोग? आज से पहले तो कभी नहीं देखा आपको शिरडी में। अरे साई, आपने हमें पहचाना नहीं? हम लोग इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, ये बात हो रही है कि हम आपकी द्वारका में कभी नहीं आए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आ गए हो तो मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, शिरडी में अच्छी नीयत से रहोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि शिरडी में गलत काम और गलत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सुनो जी, रोज रोज दुकान जाकर सामान लाने में बहुत समस्या होगी। मैं तो कहती हूँ एक हफ्ते का सामान एक बार में ही ले आते हैं, वही अच्छा रहेगा। मुझे भी लगता है, तो चलो साथ में चलते हैं। आइए। हम लोगों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये मुसलमान लोग। अगर इन्हें और ढील दी गई तो पता नहीं क्या करेंगे। गांव में इलाके का बंटवारा तो कर दिया, और क्या करें ऐसे लोगों के लिए। इन लोगों की वजह से हम सबको परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं तो कहता हूं कि इन्हें चैन से नहीं रहने देना चाहिए, इनके लिए ना मुश्किलें पैदा करनी चाहिए। मैं दिखाता हूं कैसे। इनकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जान की तरह पत्थर फेंकने की? हाय अल्लाह, मेरा मटका फोड़ दिया। बदतमीजी की हद हो गई अब तो। रहने दो मरियम, तमीज भूल गए हैं ये लोग। अरे इन लोगों को तो एक औरत के ऊपर पत्थर फेंकते हुए भी शर्म नहीं आई, इतने गिर चुके हैं ये लोग। अरे इन लोगों के मुंह लगेंगे तो हमारी ही इज्जत जाएगी। अरे हाँ हाँ, कौन तुम्हारा मुंह देखेगा? मुंह देखने के लायक तो हो क्या तुम? औकात बताता है, औकात तेरी है। एक औरत ये तुम लोगों बचा। अरे तुम देखे लोगों को तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे क्या कुछ? अरे भाई लोगों, चल निकल यहाँ से।
कहा था ना मैंने, इन लोगों के पास नैतिकता नाम की चीज नहीं है। ईमान नहीं है इनके पास। आपके कपड़े गंदे किए हैं उन्होंने, आप उन्हें सबक सिखाए। ये लीजिए और बता दीजिए उन्हें कि हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। नहीं, साई कहते हैं हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। चुपचाप ऐसे ही सहते रहिए लोगों के जुल्म। आज एक के ऊपर कीचड़ फेंका है, अगर इनको जवाब नहीं दिया गया तो कल इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी समझते हो ना तुम लोग। हम खामोशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे, उन्हें ये भी गवारा नहीं। अरे उन्होंने भाभी जान के ऊपर पत्थर मारा, खुदा का शुक्र है मटके पे लग गया। अगर भाभी जान को लगता तो हम चुप नहीं रहेंगे, हमें बदला लेना होगा उनसे। अरे औरतों पे पत्थर फेंकना ये कहां की मर्दांगी है? ये ना मार दे, मारो इनको। नामर्द कहता है गद्दार, एहसान फरामोश अभी दिखाते हैं मर्दांगी। एहसान एहसान फरामोश इनको समझते मारो इनको। शास्त्री जी, वैसे कितने दिन तक रुकने वाले हैं हम इस गांव में? एक दिन भी नहीं। ये कागजात इस गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार को दे देंगे और बस निकल पड़ेंगे। कुलकर्णी सरकार को एक नए गांव का प्रबंधन देने की सिफारिश बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने की है, उसी के कागजात है ये। कुलकर्णी सरकार की शिरडी पर बहुत अच्छी पकड़ है। उन्होंने जिस प्रकार से शिरडी में शांति और सद्भाव बनाए रखा है, उसको देखते हुए ब्रिटिश प्रशासन उससे बहुत खुश है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकी? आगे रास्ता रुका हुआ है। शास्त्री जी, ये तो पूरा गांव ही झगड़ रहा है। चलो देख के आते हैं। ए भाई, क्या हो रहा है ये सब? अरे किस बात पे तुम लोग इतना हो हल्ला मचा रहे हो? हो हल्ला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हालत बद से बदतर हो गया इस शिरडी में। हम हिंदू लोग उन मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते। ये घेराबंदी देख रहे ना आप, हमने इसीलिए बनाई है। अब शिरडी हमेशा ऐसी ही रहेगी, दो हिस्सों में बटी हुई। शास्त्री जी, हम यहां से चलना चाहिए। चलो चलो जल्दी।
क्या हो रहा है कुलकर्णी सरकार? आप यहाँ घर पर चैन से बैठकर आराम कर रहे हैं और लोग वहां पे एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, कौन समझाएगा उनको? हरिओम, ऐसा बिल्कुल नहीं है शास्त्री जी, मैं गया था समझाने उन्हें, मैंने रोका भी था उन लोगों को, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अब पूछ लीजिए आप। हाँ शास्त्री जी, सरकार ने तो बहुत कोशिश की। तो अब आप ये कहना चाहते हो कि आपके गांव वाले आपकी ही बातें नहीं सुनते? वो छोड़िए, आप यहाँ किस लिए आए हैं वो बता दीजिए। तीसरे गांव के कागजात देने के लिए। ये दस्तावेज पर सरकारी मोहर लग चुकी है। हरिओम हरिओम, ये तो बड़ी प्रसन्नता वाली बात है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है कुलकर्णी जी, यहां की स्थिति देखने के बाद मुझे तो ऐसे लगता है कि आपसे शिरडी ही नहीं संभल रही है जी। जो आंखों के सामने हो उसे संभालना सीखो कुलकर्णी सरकार। अब रहा सवाल तीसरे गांव का, तो ये दस्तावेज तो मैं आपको नहीं दे सकता जी। प्रशासन के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें आपके तरह अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब शिरडी की इस परिस्थिति के बारे में मुझे ब्रिटिश अधिकारियों को सूचित करना होगा, तो वहां से जो निर्णय होगा उसके बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। शास्त्री जी सुनिए ना, देखिए मुझे कुछ अवसर तो दीजिए, कुछ समय तो दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए आप शास्त्री जी, इस रत्नाकर के चक्कर में मुझे चक्कर आने लगे हैं, यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया ना तो वही बात हो जाएगी, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर आ गए। We'll be right back.
क्या छुपे हो? मुझे यहाँ से लेकर चलो। बात सुनो, मैं कह रहा हूं लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। ये फकीर कहीं काम ना बिगाड़ दे, इसे अभी सबक सिखाता हूं मैं। मेरी चिंता मत करो, हो सके तो रोक लो इन्हें।
ये सब क्या हो रहा है शिरडी में? भगवान का शुक्र है हम अभी तक सुरक्षित हैं। सुरक्षित कुछ भी नहीं है, खतरा अभी में मंडरा रहा है। हम जानते हैं कि मैं अमीर हूं, इसलिए दंगाई कभी भी लूट की इरादा से यहां हमला कर सकते हैं। हमें तुरंत शिरडी से पलायन करना होगा, छोड़ना होगा इस गांव को। शिरडी में ऐसे हालात हैं, कैसे जाएंगे हम? सब हो जाएगा, मैंने इंतजाम कर लिया है। सेठ जी जल्दी कीजिए, हमें इसी समय निकलना होगा। जो ले लिया वो बहुत है, अब चलिए ना। एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ूंगा मेरे पीछे। सेठ जी जल्दी कीजिए, भगवान के वास्ते जल्दी कीजिए सेठ जी। भागो जल्दी, भागो। आगे कुछ दंगाई लोग हैं। तो क्या हुआ? गाड़ी आगे बढ़ाओ, कुचल दे अगर कुचल दे तो। किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर औरतें, कोई बचना नहीं चाहिए। हाँ, कोई बचना नहीं चाहिए। शेर जी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आगे गए तो वो लोग हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसा बोला वैसा कर, पैसे दिए मैंने तुझे। शेर जी जब गाड़ी नहीं रहेगी तो पैसा किस काम का, और वैसे भी थोड़ी देर में ये लोग पूरा पैसा लूट लेंगे, आपका भी और मेरा भी। अरे और पैसा दूंगा तुझे, रुक जा। अरे पैसा छोड़िए, अपनी जान बचाइए और उधर देखिए। We'll be right back.
दिया आपका बच्चा, ये लीजिए। अब इसे लेकर जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चली जाइए। तुम बस भागते रहो। अब नहीं खेला जाता। कहाँ गए वो लोग? अभी तो ऐसे चलो। अरे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। घबराइए नहीं, तू हाथ हटा, पीछे हट। देखिए आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ आइए। पास में ही मेरी सहेली चंपा रहती है। ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आप वह सुरक्षित भी रह सकते हैं। मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है। तेरे साथ, तेरी मदद लेने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। साई कहते हैं जब कोई भी संकट में हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिद मत कीजिए, चलिए कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। हम इन लोगों के घर नहीं जा सकते हैं। हाँ लक्ष्मी, सबकी मदद, भले ही उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, भले ही उन्होंने तुम्हारी मदद ना की हो, लेकिन अगर वो संकट में है तो तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। आपको ये बताना मेरा कर्तव्य है, जैसे आपकी इच्छा। ढूंढो उन लोगों को, यही कहीं छुपे होंगे। काट कर रख दूंगा उनकी गर्दन। चलो। ए, रुको। पर तुम्हें कैसे यकीन है कि हम चंपा के यहाँ सुरक्षित रहेंगे? सेठ जी, वो उन्हीं के घरों में घुसते हैं जहाँ उन्हें कुछ लूटने को मिले। हम गरीबों के घरों में उन्हें क्या मिलेगा? हम दलित बस्ती वाले हैं ना, हम इस झगड़े से बिल्कुल अलग है। देखा कितनी लंबी जुबान है इसकी। अब चले। गधों, उनकी धमकियां क्या सुन रहे हो? दरवाजा बांधने की व्यवस्था करो, जाओ। दरवाजा तोड़ देंगे। वो संदूक ले आ, संदूक ले आ। अरे पहले बोलो, बोलो, उठाओ, जल्दी उठाओ।
रखो रखो, इसको भी रख, इसको भी रख। अहो क्या हुआ, ये शोर कैसा, क्या हो रहा है दादा? इस गांव के लोग पागल हो गए, पागल, सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। तो चली जा, ये सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अगर प्राणों की रक्षा करनी है तो शिरडी से जाना होगा हमें, पलायन करना होगा यहां से। हरिओम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। नहीं, हम शिरडी छोड़कर कैसे जा सकते, जहाँ साई है वहां से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती, वो रक्षा करेंगे हमारी। ये क्या? अरे साई, आपके खून, ये भगवान, ये क्या हो गया साई? मैं ठीक हूं। क्या ठीक है साई, लोगों ने आपको भी नहीं छोड़ा, ये हो क्या गया शिरडी के लोगों को? भीमा, भीमा, हरिभाव, क्या हुआ साई? साई, साई, क्या हुआ हरिभाव? भीमा कहीं नहीं मिल रहा है। भीमा नहीं मिल रहा है? हाँ, कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। चलो उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अच्छा, इसे मैं देखता हूँ, अब जाइए। काफी दर्द हो रहा है भैया, क्या हालत कर दी लोगों ने तुम्हारी, ये जगह ना बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गई, कहीं और चले जाओ तुम। हाँ, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है ऐसा। काकी, दो लोगों को लाई हूँ, उन्हें आश्रय की जरूरत है। अच्छा किया जिपरी, आइए अंदर आइए। अच्छा आइए, बैठिए ना। चंपा बेटा, पानी लेके आओ। हाँ आई। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी, अछूतों की बस्ती में उनके घर में शरण लेनी पड़ी मुझे,
लेकिन कोई विकल्प ही नहीं था मेरे पास, मुझे यहीं छुपना पड़ेगा। लीजिए पानी। ले लीजिए। लीजिए ना। आज का शुभ दिन तुम जैसे अछूतों के पैसे लेकर अशुभ नहीं बनाना मुझे। ये लो तेल, इतने दाम में इतने ही तेल आएगा। अछूत कहीं के। ईश्वर गंगाराम जैसे लोगों को कब सद्बुद्धि देंगे? इतनी मुसीबत में होने के बावजूद भी इतना अहंकार। जानते हो तुम लोग, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वो मनुष्य से उसका विवेक छीन लेता है, सही और गलत में फर्क करने की शक्ति छीन लेता है अहंकार। अहंकार मनुष्य से मनुष्य की मानवता छीन लेता है। अजी सुनिए, कम से कम अब तो ये पोटलियां नीचे रख दीजिए। पागल हो गई हो क्या? हमें इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चौकन्ना रहना होगा हमें। अगर इन्हें पता चल गया कि इसमें पैसे और गहने हैं तो ये हमारी हत्या कर देंगे। और पोटली ले लेंगे और हमारी लाश को गली में फेंक देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब समझेंगे कि हम दंगे में मारे गए। कैसे सोच सकते हैं आप? इन लोगों ने हमारी मदद की है, जान बचाई है, हमें शरण दी है। इनकी जाति ऐसी है, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम शायद ठीक ही कहती हो। अगर मैं पोटली को इसी तरह सीने से लगाए बैठा रहा तो इन्हें जरूर शक हो जाएगा कि इसमें पैसे और गहने हैं। इन उपलों की टोकरी के पीछे छुपा देता हूं, यहां कोई नहीं देखेगा।
खाना खाइए। बहुत भूख लगी है, पता नहीं यहां से कब बाहर जाने के लिए मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं। अब तो इनके घर का खाना भी खाना पड़ेगा। भगवान ऐसे दिन दुश्मनों को भी ना दिखाए। लोगों को सहानुभूति दिखाओ तो बहुत जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। उपले की टोकरी के पीछे मैंने पोटली रखी थी, कौन ले गया वो? मुझे नहीं पता सेठ जी। ए झिपरी, वो पोटलियां तूने ली? हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें आपका कीमती सामान है और आपने उसे खुले में रख दिया था। वो जगह सुरक्षित नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया। कहाँ? ये रही पोटलियां। यही लगा ना कि आपकी पोटलियां मैंने चोरी कर छुपा दी है? नहीं नहीं, मैं तो वो हम लोग गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं। साई कहता है पैसों को ज्यादा अहमियत देने से इंसान अपना सुख और शांति खो देता है। आज उसकी बात मेरी समझ में आई। दादा, तुम्हारी शिरडी तो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। दादा दादा, क्या हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं? शीघ्र ही लौट आएंगे। जब तक शिरडी अशांत है, शिरडी पर संकट है, तब तक इससे दूर रहना ही उचित है। हरिओम। मेरे सारे दोस्त, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? साई उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो जल्दी। Oh,
मेरी तरफ से उपहार है। ये जिसके पास खुद बखुद जाएगा ये आजीवन उसी के पास रहेगा। खुदा, इन बेरहमों ने बेजुबान जानवर तक को नहीं छोड़ा। बेमाप, मेरे बेटे कहाँ हो तुम? बेमाप, बेमाप। हे भगवान, ये तो मुसलमानों का इलाका है, कहीं बीमा गलती से यहां तो नहीं आ गया? हरी भाऊ, ये मेरे इलाके में क्या कर रहा है? बेमाप, हरी! इसके कारण मेरा बेटा मुझे मिल नहीं रहा है। इन लोगों ने मेरे बैल को भी नहीं बख्शा। सुल्तान, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तू खुद गलती करता है और इल्जाम हम पे लगाता है। शिरडी किसानों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा कराने की अनुमति चाहता हूं आपसे। इस प्रतियोगिता की कीमत 1,000 रुपए है। तुम तो यहां मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मेरे खेतों में काम करना शुरू कर दो। खबरदार, जो जबरदस्ती मेरे खेत में घुसने की कोशिश की। चल भाग यहां से। मेरी खाद को जानबूझकर खराब किया तूने। अरे तूने ही किया है। ये बीज मेरा है, पर तुमसे पहले मैंने खरीदा है। मेरे से मंगवाया तो मैंने था, पर नहीं तुमने। तो मैंने इससे पहले कभी भी शिरडी में धार्मिक विविधता पर ध्यान नहीं दिया था। अच्छा हरि भाऊ, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, तुमने इस सौदे के बारे में किसी से चर्चा तो नहीं की ना? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीदना चाहता हूं। तुम अपना अनाज मुझे बेच रहे हो, इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। मैं आपका अनाज नहीं ले सकता भाई। अगर मेरे श्रमिकों को पता चल गया कि जो भोजन वो करने वाले हैं उसके उत्पादन में अगर मुसलमानों का योगदान है, उन्होंने हाथ भी लगाया है उसे, तो वो तो नहीं करेंगे वो भोजन। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे परिवार का भविष्य अभी भी उज्जवल हो सकता है। अगर तुम मुझे ये आश्वासन दो कि तुम अपने खेतों में केवल हिंदू श्रमिकों से ही काम करवाओगे, किसी और धर्म के श्रमिकों से नहीं। और एक चीज और, तुम्हें अपने खेतों की शुद्धि भी करवानी होगी। मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा। हरी भाऊ? क्या? हाँ, वो हरी भाऊ था। अब बेगम, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत निभाली लोगों से यारी दोस्ती।
क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ? सब खैरियत? हरिबाऊ ने सबको काम से निकाल दिया भाईजान। क्या? यह पवित्र गंगा जल आप अपने घर में और अपने खेतों में छिड़क दीजिएगा ताकि वह स्थान भी शुद्ध और पवित्र हो जाए। आगे से सिर्फ अपने धर्म के मजदूरों को ही रखिएगा। अभी तो सिर्फ चिंगारी भड़की है नंदलाल, बहुत जल्द वो समय आएगा जब शिरडी का चप्पा चप्पा धू धू करके जलेगा। तुम दोनों मुस्लिम इलाके में दाखिल होगे और तुम दोनों हिंदू, काम जितना जल्दी पूरा करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। आज एक के ऊपर कीचड़ फेंका है, फिर किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी समझते हो ना तुम लोग? अरे औरतों पे पत्थर फेंकना ये कहां की मर्दानगी है? ये ना मार दे, मारो इनको। अभी तुमने देखा ही क्या है नंदलाल, असली नाटक तो अब दिखाता हूं। ये सब क्या हो गया? अच्छी खासी कीमत दे रहा था मैं शिरडी वालों को इनकी जमीन की, लेकिन नहीं, धुन की सवार थी मुझे मना करने की। हां कर देते तो क्या हो जाता, मौज कर रहे होते ना आज, लेकिन नहीं, आज ये सब हो गया। बेवकूफ लोग, एक नंबर के बेवकूफ लोग। उस दिन उस खंडहर द्वारका माई को बचाने के लिए मुझे मारने चले थे, आज कहां गई इनकी एकता, इनकी अखंडता? मूर्ख है सबके सब, ये नहीं जानते कि रत्नाकर राव को जब भी कोई मारने जाता है उसे उतनी बार मुंह की खानी पड़ती है। माना कि उस दिलावर अली के रूप में मेरी चली हुई वो चाल निरस्त हो गई, लेकिन नंदलाल वो एक छोटी सी हार थी और ये एक बड़ी जीत है। लोग अपने घरों से निकलकर जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि वो साई की आवाज थी, लगता है उसकी आवाज सुनकर सब उसके पास जा रहे हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गया है क्या? अरे वाह, दंगा खत्म हो गया। जब दंगा खत्म हो गया तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो रुकिए। हम आपके बहुत आभारी हैं, आप ही के कारण हम दोनों आज जीवित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रख लीजिए। हम लोग मदद करने के बदले पैसे नहीं लेते, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है, इंसानियत का फर्ज।
खूब जानता हूँ तुम लोगों को, बाद में इसका फायदा कैसे उठाना है ये सोच रखा होगा पहले से इन्होंने। अब चले? हाँ ठीक है, हम अब चलते हैं। चंपा, सब लोग साई के पास जा रहे हैं, हमें भी जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ चलो। देख रहे हो नंदलाल, क्या हुलिया हो गया है इस जगह का, लेकिन अभी यहाँ की हालत और बदतर होगी। शमशान बना दूंगा सारी शिरडी को, ना लोगों से यहाँ पर जीते पने का ना मरते पने का, दाने दाने को मोहताज कर दूंगा सबको। अब जब ऐसी हालत हो जाएगी तो क्या करेंगे बेचारे, कहीं और जाकर गुजर बसर करेंगे, और तब इनके खेत खलिहान, इनके घर बार, इनकी जमीन जायदाद औने पौने दाम में कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? रत्ना कर रहा हूं। साहब, साई यहां पर सब गांव वालों के साथ। प्रणाम साई, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुलवा लिया होता। तकलीफ ना हो इसीलिए मैं आ गया हूं। मैं कुछ समझा नहीं साई, लेकिन मैं समझ गया हूं आपका सच। सच? कैसा सच साई? अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए रत्ना कराओ जी। मैं जानता हूं कि शिरडी में जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका हाथ है। जो प्रतियोगिता आपने करवाई है वो सिर्फ एक दिखावा है, षड्यंत्र है। इस प्रतियोगिता की आड़ में आपने लोगों के बीच में दीवार उठा दी, उन्हें एक दूसरे से लड़ा दिया है आपने। शिरडी के भोले भाले मासूम लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई है आपने। साई, मेरे साहब से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? नंदलाल, साई को गलतफहमी हुई है। हाँ साई, आपको जरूर ही कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला इन लोगों के बीच में क्यों दंगा फसाद करवाना चाहूंगा? मैं तो लोगों की मदद करना चाहता था, इनकी भलाई करना चाहता था। मैं अब आपसे क्या छुपाऊं? शिरडी आया तो मैं व्यापार करने था, पर जब यहां आया तो यहां इतनी गरीबी देखी, लाचारी देखी, मुझे रहा नहीं गया। मैं लोगों की मदद करना चाहता था, इसीलिए तो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था कि किसी एक का भला तो कर सकूं। मुझे क्या पता था कि इसी प्रतियोगिता की वजह से ये सब आपस में लड़ मरेंगे। अब आप ही बताइए साहिब, मदद करने वाले के ऊपर उंगली उठाना तो गलत बात है ना? अगर मेरी प्रतियोगिता से इतनी परेशानी है तो मैं अभी इसी वक्त इसे रद्द किए देता हूं। नहीं नहीं रत्नाकर जी, आप प्रतियोगिता रद्द मत कीजिए। साईं, इसमें रत्नाकर जी का कोई दोष नहीं है, जो भी दोष है वो इस सुल्तान का है। लड़ाई भी इसी के कारण हुई थी। हरिभाऊ, मेरा नाम मत घसीटो, इस लड़ाई की वजह तुम हो।
अरे सुल्तान हरिभाव शांत हो जाओ। देखिए लड़ाई इन दोनों की थी और इन दोनों की लड़ाई में ही पूरा गांव धू धू करके जल उठा और आप खामखा मुझ पर दोष डाल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, दोष इनका ही है क्योंकि क्योंकि ये आपकी चाल को समझ नहीं पाए और अगर समझ जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरी चाल को आप कौन सी चाल क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है कुछ नहीं किया आपने तो फिर सुल्तान को अपने घर क्यों बुलाया था, उससे अनाज खरीदने की बात क्यों की आपने? और अनाज खरीदने की बात तो ठीक है पर यह बात किसी और को बताने के लिए मना क्यों किया आपने? बोलिए। ठीक कह रहा हूं ना मैं? और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा ही आपने हरी भाऊ के साथ भी किया। बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? भाई सुल्तान ये पेश की रकम है, जब तुम अनाज ले आओगे तो बाकी की रकम भी तुम्हें अदा कर देंगे। हुजूर मैंने अनाज आपके गोदाम में रखवा दिया है। धन्यवाद नंदलाल जी। शुक्रिया। इसे कैसे मालूम हुआ ये सब? सुल्तान तो क्या रत्नाकर जी ने तुम्हारे साथ भी अनाज का सौदा किया था? हाँ रत्नाकर जी अपने कारखाने के कर्मचारियों के लिए मुझसे अनाज खरीदने वाले थे। साईं रत्नाकर जी ने मेरे साथ किया हुआ अनाज का सौदा इसलिए रद्द कर दिया था कि मेरे वहां मुसलमान मजदूर काम करते हैं और इन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि उनके कारखाने में काम करने वाले मजदूर मेरे वहां काम करने वाले मुसलमान मजदूरों के हाथ से उगाई गई फसल नहीं खाएंगे। रत्नाकर जी यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके कारखाने में काम करने वाले मजदूर मेरे यहां के मुसलमान मजदूरों के हाथ से उगाई गई फसल नहीं खाना चाहते तो फिर आपने सुल्तान के साथ अनाज का सौदा क्यों किया? ये भी तो मुसलमान है। हरी भाऊ ने तो रत्नाकर जी के प्रस्ताव को ठुकरा देने का निर्णय लिया था, बात वहीं खत्म हो जाती है। पर इन्होंने सुल्तान के बीच सड़ा दिए और ऐसा नाटक रचा कि सुल्तान को लगे कि उसके बीच किसी और ने नहीं उसके भाई जैसे दोस्त हरी भाऊ ने खराब किए हैं। हरी भाऊ? क्या? हाँ वो हरी भाऊ था लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आया? मेरे बीज आपने खराब करवाए? नहीं सुल्तान मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, झूठ है ये सब झूठ है। तो फिर आपने हरी भाऊ के साथ सौदा क्यों किया? झूठ ये नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। भीमा चंदू मैं तुम्हें बताता हूं असल में हुआ क्या। देखो तुम सब मेरे भाई जैसे हो, मैं ये ऊंच नीच में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। अरे मैंने प्रतियोगिता का आयोजन क्यों करवाया था? ताकि तुम में से किसी एक का भला हो सके। मैं मददगार हूं तुम सबका लेकिन ये दोनों नहीं चाहते थे कि तुम में से कोई प्रतियोगिता जीते, इसलिए ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं ताकि तुम लोगों का प्रतियोगिता पर ध्यान ही ना रहे। सुल्तान हरी भाऊ
यही वजह थी ना जिसके लिए तुम दोनों एक दूसरे से नाराज थे। सुल्तान को लग रहा था कि उसके बीच उसके दोस्त हरिभाव ने खराब किए हैं, और हरिभाव को लग रहा था कि उसके आंगन में जादू टोना करने वाला कोई और नहीं उसका दोस्त सुल्तान है। हाँ साई, यह सच है। मैंने मेरे घर के पास काला जादू की सामग्री देखी तो मुझे ऐसे लगा जैसे सुल्तान के मन में मेरे लिए पाप लगाया। वो प्रतियोगिता जीतने के लिए जादू टोने का सहारा ले रहा है और मुसलमान मजदूर भी उन्हें सहायता कर रहे हैं, और रत्नाकर जी ने भी मेरे कान भरे हैं कि जल्द से जल्द मुसलमान मजदूरों को अपने काम से हटा दो, और शायद गुस्से में आकर मैंने उन लोगों को काम से हटा दिया। और साई, जब हरिभाव ने मेरे कौम के मजदूरों को अपने यहाँ से काम से हटा दिया तो मैंने भी हिंदू मजदूरों को अपने यहाँ से काम से हटा दिया। उसके बाद हमें लगा कि आप हिंदुओं को निकाल रहे हैं, फिर हमने ये बात सबसे कही। जैसे तुम लोगों को महसूस हुआ वैसे हम सब लोगों को महसूस हुआ। हमें बेवजह काम से निकाल दिया इसलिए सब लोगों को गुस्सा आ गया। पर उसके बाद भी शिरडी में सब कुछ शांत था। लोग रह रहे थे खामोशी से। उसके बाद हिंदुओं ने निर्णय किया कि वो हिंदुओं के साथ काम करेंगे और मुसलमान मुसलमानों के साथ। पर तब भी शिरडी में सब कुछ शांत था, ठीक था। पर उसके बाद आपने शिरडी के बाहर से गुंडों को बुलाया, उन्हें पैसे दिए और दंगे भड़काए। तुम दोनों मुस्लिम इलाके में दाखिल होगे और तुम दोनों हिंदू। आज एक के ऊपर कीचड़ फेंका है, फिर किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी समझते हो ना तुम लोग। अरे औरतों पे पत्थर फेंकना ये कहां की मर्दानगी है, ये ना मार दे, मारो इनको। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, रुक जाओ। शिरडी में अब कोई भी हिंसा नहीं होगी, और अब तक तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि झगड़े से, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। आपके पास अभी भी प्रायश्चित करने का समय है। अपना अपराध स्वीकार कीजिए रत्नाकर जी। प्रायश्चित? पर किस बात का प्रायश्चित? मैंने आखिर किया क्या है? बस करो, कितना झूठ बोलोगे? हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने एक मासूम बच्चे को डांटा, उसको गलत ठहराया। तुम्हारे कारण हमने अपने गांव को दो टुकड़ों में बांट दिया, घेराबंदी की, दिलों में दीवार खड़ी कर दी तुम्हारे कारण, और हम अपने पड़ोसी के साथ में लड़ बैठे। तुम्हारे वजह से जिस हरि भाव को मैं अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता था उस पर शक करने लगा, उसे अपना दुश्मन मान बैठा तुम्हारे वजह से। और मैंने भी अपने सबसे अच्छे दोस्त सुल्तान के साथ बात करना बंद कर दिया। सारी फसाद की जड़ आप है रत्नाकर जी। पाटिल जी, आप तो समझदार आदमी है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए रत्नाकर राव जी, पर अब कोई आपकी बातों में नहीं आएगा। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले अंत में हम सब शिरडी वासी एक ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एकता मात्र एक दिखावा नहीं है। हमारे दिल आपस में मिले हुए हैं, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान है, प्यार है, निष्ठा है। देखिए देखिए, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि इसकी बातों में मत आइए। अरे मैं आप लोगों की मदद करने के लिए आया था यहां, मैंने प्रतियोगिता का आयोजन किया था, याद है?
मैं किसी एक का भला करना चाहता, मैं सबका भला करना चाहता था। मैं, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे, इसकी मान रहे हैं। मेरी बात समझिए। मैं, अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोला तो मत बोलो, मारना जाओ सबके साथ, रहो गरीबी में। एक बात याद रखना, मैं यहां से चला गया ना तो भुखमरी हो जाएगी यहां पर सब। फिर गरीबी में रहोगे, एक एक दाने को तरसोगे, तब मुझे याद करोगे, लेकिन मैं तब नहीं आऊंगा मदद करने को। याद रखना मेरी बात, मैं दिल का बिल्कुल साफ आदमी हूं। मैंने दिल से तुम लोगों का भला करना चाहा था। हाँ साई, मेरा भगवान जानता है, मैंने अगर शिरडी वासियों का कभी भी बुरा चाहा हो तो अभी इसी समय यह धरती फट जाए। क्या आपको विश्वास है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है? अबे और कैसे विश्वास कर रहा हूं? हाँ, पूरा विश्वास है मुझे। मैं रत्ना कर रहा हूं, सबके सामने कहता हूं, अगर मैंने कभी भी शिरडी वासियों का कोई भी बुरा चाहा हो तो इसी समय यह धरती फट जाए। सब क्या है? तुम्हारी इच्छा उस मालिक का न्याय। सब मेरे साथ आइए।
देखिए देखिए ये तबाही ये विनाश जो आपने किया है। और ये केवल सामान या घर का विनाश नहीं है, ये विनाश है आपकी एकता का, आपके भाईचारे का। और ये विनाश है शिरडी के इतिहास का। आपने खतरे में डाला है शिरडी के भविष्य को। बताइए क्या ये सही था? नहीं साईं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं। हमें माफ कर दीजिए साईं। धर्म के नाम पर आप सब आपस में लड़ बैठे। आप उन लोगों से लड़ बैठे जो आपके मददगार थे, आपके सहायक थे, आपके दोस्त, आपके मित्र थे। लेकिन बताइए मुझे, दर्द किसे मिला? आपको मिला। घर किसके जले? आपके जले। खून किसका बहा? आपका बहा। और अंत में हार किसकी हुई? ये इंसानियत की हार है, मानवता की हार है। ये इतना सब कुछ खोकर क्या मिला? क्यों, किस लिए किया ये सब? बोलिए, बताइए। रुकिए, देखिए इन बच्चों को, बताइए क्या फर्क है इनमें? कौन सा बच्चा हिंदू है और कौन सा मुसलमान, बताइए। मैं जानता हूं आप सब मुझसे माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से लोगों के मन में यह बात है कि गलती हमारी कौम की नहीं, दूसरी कौम की थी। तो बताइए मुझे, अगली बार जब आपको गुस्सा आएगा तो इनमें से किसको पत्थर मारना चाहेंगे आप? और अगर मारेंगे तो ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बच्चा आपकी कौम का है और कौन सा बच्चा दूसरी कौम का है? बताइए, बताइए क्या फर्क है इनमें? कौन सा बच्चा हिंदू है, कौन सा मुसलमान, बोलिए। संसार में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है कि वो सूरत रूप रंग में दूसरे बच्चे से अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दूसरे बच्चों के समान ही होता है, मासूम नादान। वो बच्चा वही सीखता है जो हम बड़े उसे सिखाते हैं। बड़े होने के साथ साथ हम उसे सिखाते हैं कि वो कैसे दूसरे बच्चों से अलग है। वो शिया नहीं सुन्नी है, वो हिंदू नहीं मुसलमान है, वो ब्राह्मण नहीं, वो नीची जाति का है। समय बीतने के साथ साथ हम उसके दिलो दिमाग में भर देते हैं वो चीजें जो उसे उस सत्य सनातन से, उस मानवता से दूर ले जाता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। हम सबको समझने की जरूरत है कि वो परमपिता परमेश्वर सिर्फ एक है और हम सब उसकी संतान हैं। हम उसे किसी भी नाम से बुलाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे गीता पढ़ो या कुरान पढ़ो या पुराण, हर ग्रंथ की शिक्षा
उसकी सीख, उसका सार एक ही है। दुनिया का हर धर्म, हर मजहब हमें शांति, अमन, भाईचारे, दोस्ती की तरफ ले जाता है। दुनिया के सारे धर्म, सारे मजहब उन दो रास्तों की तरह हैं, जो जाते तो अलग अलग दिशाओं में, पर उनकी मंजिल, उनका गंतव्य सिर्फ एक है। अगर हम ईश्वर को किसी और नाम से बुलाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। सोचो अगर हम अपने पिता को अब्बा न कहकर बाबा कहें तो क्या रिश्ता बदल जाएगा? सोचो अगर हम अपनी मां को आई ना बुलाकर अम्मी बुलाएं तो क्या वो हमारी मां नहीं रहेगी? बोलो। हम सब उस एक ही मालिक के बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग मालिक बनने के लिए हमारे बीच ये जहर बो देते हैं। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक हम उनकी चालों को नहीं समझेंगे। क्या लगता है तुम्हें, अगर ये हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएंगे तो और बंटवारा नहीं होगा? बंटवारा होगा, फिर हिंदुओं को और हिंदुओं में बांटा जाएगा, मुसलमानों को और फिरकों में बांटा जाएगा। ये हिंदू मुसलमान, ये पूरी दुनिया बंटती रहेगी। ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हम नहीं समझेंगे, हम नहीं सोचेंगे, चालों को नहीं समझेंगे उनकी। और अगर कभी कुछ समझ में ना आए तो एक बात हमेशा याद रखना, सबका मालिक एक। सबका मालिक मालिक सर पर कफनी। बांधी तूने सर पर कफनी, तन पर पहना है झोला। कोई फकीर है मस्त ये मौला, या बैरागी भोला। कहां से आए माफ कर दीजिए, मैंने बगैर सोचे समझे आप सबको काम से निकाल दिया। अरे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मारे नहीं सुल्तान, पर आप खुद को कसूरवार क्यों मान रहे? गलती तो हम सबसे हुई है। भीमा, 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 तू ठीक तो है ना मेरे बच्चे? मैं कितना डर गई थी। आओ, अपना भीमा वापस आ गया। कहाँ थी तू? भीमा, बेटा मुझे माफ कर देना,
ध्रुपदा वहनी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपसे बहुत ही बदतमीजी से पेश आई थी, गलती हो गई थी मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे। नहीं नहीं रियाना, मुझे भी माफ कर दो तुम, गलती तो मुझसे भी हुई है ना। मैं कितना चिल्ला रही थी तुम पे, अगर तुम मेरे बेटे को अपना बेटा मानती हो तो तुम्हें पूरा अधिकार है इसे डांटने का। मुझे भी माफ कर दो प्यारा। अपनी गलतियों से सबक लेकर आइए हम सब इस नफरत की दीवार को तोड़ दें और एक नई शुरुआत करें। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा पखेड़ा खेद नहीं हो, तीरथ वही है पावन ग्राम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मैं ही वो पहला व्यक्ति था जो रत्नाकर जी के बहकावे में आ गया। शिरडी में जो तबाही हुई, जो खून खराबा हुआ, उसके लिए और कोई नहीं, मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, केवल मैं।
अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वो बहुत दुखी थे। मैंने बोला दरवाजा खोलो, पर वो दरवाजा नहीं खोल रहे। देवा कहीं कुछ करना ले,